नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। मांझी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी व भाजपा नेता राणा प्रताप सिंह और डब्लू सिंह ने संवाददाताओं के साथ एक भेंट वार्ता में कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने बयान से सिर्फ जातीय उन्माद फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में राजद का सफाया निश्चित है। राणा प्रताप सिंह और डब्लू सिंह ने भी कहा कि महाराजगंज के एनडीए प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इस बार 4 लाख से अधिक मतों से विजयी होंगे। भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इस बार 400 के पार का जो नारा है वो सत्य साबित होने जा रहा है। 1990 के दशक में लालू प्रसाद के शासनकाल में चोरी, डकैती, लूट, अपहरण ज्यादा हुआ करता था। दूसरे शासनकाल में लघु उद्योग, उन्होंने महाराजगंज के महागठबंधन प्रत्याशी को हवा हवाई बताया। मौके पर दर्जनों लोग मौजूद थे। मांझी से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सर, महाराजगंज के सांसद सिग्रीवाल जी का नामांकन हुआ है और भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। सर, इस पर क्या कहना? कल जो महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद श्री जनार्दन सिग्रीवाल जी का नामांकन समारोह हुआ, जो हरपुर शिवालय के मैदान पर हुआ, ऐसा भव्य भीड़, ऐसा उत्साह हमने नहीं देखा था। 2014 के चुनाव में भी जनार्दन सिग्रीवाल साहब चुनाव लड़े, चुनाव जीते। 2019 के चुनाव में, इस 2024 के चुनाव में जो उत्साह हमने अपनी आंखों से और पूरे महाराजगंज की जनता और बिहार की जनता देखी है। और बहुत लोग कह रहे हैं कि 15,000 गिरती, 20,000 गिरती, अलग अलग अनुमान लगाया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो वहां उत्साहित भीड़ थी वो अतुलनीय थी। और तो मैं तो कहता हूं कि जमानत जब्त हो जाएगी कांग्रेस की, जो हवाई जहाज से उतर कर पैरासूट बनकर यहां पर आए हैं। सिग्रीवाल साहब ने जो महाराजगंज की जनता के लिए काम किया है, जो प्रेम दिया है, वो अतुलनीय है। और मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो यहां की जनता ने अपने दिल में बैठा ली है कि मुझे मोदी जी को चुनना है, सिग्रीवाल जी को चुनाव जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और 25 मई को कमल छाप पर वोट देकर 4 लाख पार महाराजगंज से जिताना है। और मैं स्पेशली मांझी के लिए स्पेशल कहता हूं, पिछले 2019 के चुनाव में 33,000 वोट से चुनाव जीते थे, इस बार 50,000 चुनाव से चुनाव मांझी विधानसभा से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि मांझी की जनता मांझी की जनता को जिस तरह से एक अलग उत्साह है, पूरे महाराजगंज में हर विधानसभा में एक आपस में जो प्रतिस्पर्धा है कि मेरा विधानसभा सबसे ज्यादा चुनाव में लीड कराया जाए, तो मांझी की भी जनता ने सोच रखी है कि 50,000 से यहां से सिग्रीवाल जी को चुनाव जिताना है और महाराजगंज 4 लाख पार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है। धन्यवाद। सर, एक तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल हो रहा है, भगवान लोगों को उल्टा सीधा बोले हुए हैं, इस पर आपको क्या कहना है? हमने भी वीडियो देखा रोहतास के कार्यक्रम में, बहुत ही घृणित बयान है। और लालू यादव जी के बेटा हैं तो उनसे क्या आप सुन सकते हैं? राजद जब 1990 की दशक के समय नौजवान पीढ़ी को भी याद रखनी चाहिए। और आपको पत्रकार महोदय, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि 90 के दशक में क्या होता था, हत्या, भ्रष्टाचार, चोरी, किसी को उठा लेना, किसी को फिरौती के लिए मार देना। उस समय पूरी तरह से उद्योग धंधा हो गया था, उद्योग धंधा पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, ये स्पेशल उद्योग धंधा हो गया था लालू यादव की सरकार में। उस समय भी ऐसे बयान आते थे, लेकिन अब ऐसा बयान उनके अंतिम ताबूत की किला में बंद हो जाएगी। देखिए क्या होता है कि अब वो समय नहीं है, क्योंकि अब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने वाला है। और नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए जो काम किया है, आज तक 2014 के पहले ऐसा नहीं था। हर गरीब
हर एक व्यक्ति मोदी जी को दिल में बैठा कर रखे हैं और इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए यहां पर जीतने वाली है और राजद सुन पर आउट हो जाएगा। बयान देते रहिए, यह बयान से साबित होता है हताशा का परिचायक है। उनके मन का जो अंदर का जो अंतकरण था वो निकल चुका है, वह अपना कपड़ा जो बदले हुए थे वो पूरी तरह से अब एक्सपोज हो गए हैं कि उनकी सोच क्या है। बिहार को बर्बाद बिहार की जनता नहीं करने वाली है, बिहार की जनता सोच ली है कि एक बार फिर 90 के दशक में नहीं जाना है। विकास जो नरेंद्र मोदी जी किए हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। तेजस्वी जी याद रखिएगा, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला है। आपने तो आरक्षण दिया किसको, तो अपने परिवार को दिया। आपने किसी भी व्यक्ति को नहीं सोचा आगे बढ़ने का, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आप लड़ाई आपस में एक जाति से लड़ने का काम करते हैं, लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है कि अनिल सके 90 के दशक में नहीं जाना है। मुझे 2024-2047 जो प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत का, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता चल रही है। इस पर 400 पार निश्चित तौर पर होगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।